सारे हमारे सब्सक्राइबर थे, सबको फोटो चाहिए थी। मैं गाड़ी से नहीं उतर रहा था बिकॉज मेन रोड पे मैं नहीं उतर सकता बिकॉज भीड़ लग जाती है, तो वहाँ जाम लगता है, जिसकी मैंने बताया मेन रीजन। तो क्या गाइस, जो सौरभ जोशी के साथ हुआ अब UK07 रडे के साथ भी हो रहा है। ब्लॉगर की सबसे बड़ी दिक्कत है उनको सब कुछ अपने कैमरे पे दिखाना पड़ता है लोगों को, जैसा कि सौरभ जोशी के फैंस उनका सोसाइटी के बाहर बिना बताए मिलने आ जाते हैं एंड ना मिलो तो बनती है एक्सपोज वीडियो। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है UK07 रडे के साथ। अदर थिंग इज, मैं जब घर पे नहीं रहता हूँ ना तो बहुत सारे लोग घर पर आते हैं वीडियोस बनाने के लिए, मिलाने के लिए। परसों का एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मेरी पापा से ना फोन कॉल पे बात हुई थी, पता नहीं कोई घर पे आऊगा। वो सुबह 6 बजे से बैठा रहा एंड यू नो शाम के 4 बजे तक मम्मी को परेशान करता रहा वो बंदा कि भाई मुझे बाबू भैया से मिला दो, बाबू भैया से मिला दो। भाई जब मेरे घर वालों ने बोल दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो फिर कोई लॉजिक है उस चीज़ का कि आप घर पे आकर के बैठ रहे हो कि बाबू भैया अंदर ही बैठे हैं। मैं ना कभी भी लोगों से मिलने के लिए मना नहीं करता, बाहर मिलो आराम से, फोटो खिंचाओ, वीडियो करो, सब कुछ करो। थिंग इज मेरे घर मत आया करो यार, मेरे घर वालों को इतनी प्रॉब्लम्स होने लग गए ना इस चीज़ के रिगार्डिंग। मैं अगर घर पे रहता हूँ तो मैं मिल लेता हूँ यार, बट मैं 1000 बारी बोल चुका हूँ कि यार प्लीज़ घर मत आओ, घर मत आओ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी भी एक प्राइवेट लाइफ है यार, मैं अपने दिन के बस 15-20 मिनट व्लॉग्स पे दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा परिवार हो, बट परिवार में फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भाई फोटो के लिए आप सुबह से शाम तक मेरे घर पे ही पहुंचे रहे हो। वैसे गाइस आपको क्या लगता है ऐसा करना कहाँ तक सही है, आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।